How are you? So, we have a So, what are you expecting tonight? What am I expecting tonight? Yeah. अच्छा खाना और साथ में थोड़ी डिसेंट सी, वो आपको पता ही है, मैंने इशारा कर दिया, मैं बोल के नहीं बताऊंगा। और इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत अच्छा एम्बियंस है यहाँ का, बहुत अच्छी यहाँ की सर्विसिंग है, खाना बहुत अच्छा है और बाकी तो आप लोगों ने कवर कर लेना, आपको पता चल जाना अंदर हो क्या क्या रहा है। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छा टाइम रहेगा जितनी भी देर बैठेंगे। जी सीज़न टू इज़ कमिंग ऑन एयर फ्रॉम 21st of April और इस बार हम लोग 9 बजे आ रहे हैं। तो शो का नाम थोड़ा सा एड ऑन किया है हमने, शो का नाम है एंटरटेनमेंट की रात लिमिटेड एडिशन एट 9 और कलर्स प्यारे 21 अप्रैल से। और जितना आप लोगों ने सीज़न 1 को प्यार दिया उतना ही सीज़न 2 को भी प्यार दीजिएगा। सीज़न 2 में थोड़े से चेंजेस हैं, थोड़े से कुछ नए लोग ऐड ऑन हुए हैं और कुछ चीज़ें हमने शो के अंदर नई ऐड करी हैं ताकि लोगों को फ्रेश लगे। और कपड़े नए हैं, बातें नई हैं, गेस्ट नए हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो पुरानी है, वो है एंटरटेनमेंट, और वो पहले की तरह बरकरार रहेगी। एंड हमने पूरी कोशिश की है, हमारी क्रिएटिव टीम ने, डायरेक्टर्स ने, कि हम जिस तरह से पिछली बार हम लोगों ने फैमिली कंटेंट देके और बिलो द बेल्ट ना जाके, किसी को इंसल्ट ना करके, किसी को हर्ट ना करके, जो एक कंप्लीट पैकेज शो बनाया था जिसमें अच्छे अच्छे गेम्स भी थे, मूवमेंट्स भी थे, कॉमेडी भी थी, इस बार भी हमने कोशिश करी है कि ऐसा ही एक कंप्लीट पैकेज आप लोगों को दें। और 21 अप्रैल को आप लोग देखिएगा और फिर 22 को छाप दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। मैं कॉमेडी जज नहीं हूँ, मैं अभी खुद कॉमेडी सीख रहा हूँ। और कपिल इज़ बीन लाइक अ एल्डर ब्रदर, आई नो हिम सिंस 15 ईयर्स, बहुत कम लोगों को पता है। और पूरी दुनिया का सबसे महंगा स्टैंड अप कॉमेडियन जो है वो कपिल है। और कभी कभी आदमी का टाइम थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो लोगों के जो थॉट्स हैं बदल जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर जब आदमी को सिर्फ एक अच्छा शो चाहिए होता है वापस वही प्यार पाने के लिए, एक अच्छी फिल्म चाहिए होती है वापस फिर उसी स्टार्डम तक पहुंचने के लिए, और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। भाई है बड़ा, जल्दी जल्दी सब चीज़ें ठीक हो जाएं और जल्दी जल्दी वापस वो अपने ट्रैक पे आके लोगों को फिर से एंटरटेन करना शुरू कर दे। ही इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट, ही इज़ बीन द बेस्ट सो फार। हमारे शो के अंदर वो एक लोगों को लगता है कि मैं और रघु जजमेंट पे बैठे हुए थे, वो ऐसा नहीं है। वो शो का फॉर्मेट बेसिकली ये था कि एक इंटरव्यू चल रही है और दो लोग साइड पे बैठे हैं जिनको कोई काम नहीं है, उन्होंने बार बार उंगली कर रही है, उन्होंने बार बार वैसे वैसे कंटेंट निकालना, कुछ ना कुछ बोलते रहना। इस बार रघु नहीं है मेरे साथ, उसकी कुछ अपनी अलग कमिटमेंट्स हैं, इसलिए वो डेट्स का इशू हो गया, शायद वो पैनल पर नहीं है मेरे साथ। और नया एक चेहरा है, वो चेहरा 21 को रिवील हो जाएगा, प्रोमोस चलने शुरू हो गए हैं तो आपको पता चल जाएगा। अभी मैं अगर आपको बताऊंगा कौन है तो फिर आप पूछोगे कौन है, उन्होंने कैसा काम किया और आपको कैसे लग रहा है, तो वो 21 को रिवील हो जाएगा बहुत जल्दी। हमारे प्रोमोस शूट हो चुके हैं, हमारा प्रिंट शूट हो चुका है, होर्डिंग्स भी शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी लगने। काफ़ी सारी कास्ट में चेंजेज हैं, काफ़ी सारे पुराने लोग नहीं हैं, कुछ लोग नए हैं, बट एक चीज़ नहीं बदली, वो है एंटरटेनमेंट। क्योंकि हमें पर्सनली फील हो रहा है कि शो एक लेवल शायद ग्रो कर गया है, बाकी तो जनता बताएगी। मैं खाने का शौकीन हूँ, मैं क्या बनाता हूँ, मैं लोगों की लाइफ अच्छी बनाता हूँ सर, सैटरडे संडे रात को, क्योंकि वो मंडे टू फ्राइडे बड़े परेशान रहते हैं। और पिछले 1.5 महीने से मैं खाना खुद बना रहा हूँ, मेरा कुक छोड़ गया था, नौकरी छोड़ के भाग गया था, उसकी शादी हो गई, तो मैं खाने में सब बना लेता हूँ। मैं क्योंकि हॉस्टल में पढ़ा हूँ मैं, तो हम लोग थिएटर करते थे तो हमारे बजट्स बहुत कम होते थे, तो हमें लेविचरी फूड नहीं मिलता था रिफ्रेशमेंट में, तो शुरू से घर से बाहर रहे, तो इसलिए मैं खाने में चिकन बहुत अच्छा बनाता हूँ, मटन बहुत अच्छा बनाता हूँ, और मेरे को आटा गूंदना भी आता है। इसके अलावा मेरी रोटी गोल तो नहीं बनती लेकिन अच्छी बनती है, और मैं तकरीबन सब चीज़ें बना लेता हूँ, कोई स्पेशल डिश नहीं बना पाता, बट नॉर्थ इंडियन जितना भी फूड है मैं सारा बना लेता हूँ और अच्छा बनाता हूँ। तो मेरे घर वाले मेरे को यही बोलते हैं कि तेरी बीवी बड़ी खुश रहेगी कि तुझे सब करना आता है, खाना बनाना आता है, कपड़े धोने आते हैं, आटा बनाना आता है। तो मैंने कहा बीवी को मेरे से शादी करनी है, कुक से थोड़ी करनी है, जो खुश रहेगी। बट खाना अच्छा बनाता हूँ, कभी कभी ऐसा अगर मौका आया तो मैं आप सबको इन्वाइट करूँगा अपने घर पर, इतना बड़ा घर ले लें फिलहाल,
तो वहाँ पे रखेंगे डिनर और अपने हाथ से बना, अगर इतने लोग आएंगे तो 10-15, अगर 100 आएंगे तो फिर तो बाहर से मंगाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे सुबह से लेकर रात तक खाना बनाते रहो, रात को थक के सो जाओ। तो खाना मैं सब अच्छा बनाता हूँ, मटन बहुत अच्छा बनाता हूँ, तो कभी आइएगा सर, खिलाएंगे आपको। थैंक यू सो मच सर। कैमरा नीचे से ऊपर जाता है ना, वो हिरन के शॉर्ट्स नहीं होते नीचे, गुड न्यूज़ शुरू करते हैं, वैसे वाली भी नहीं आती। आइए I'm sure Rinkarin 51 is gonna rock as they're rocking for since 1 year, and looking forward and would love to come here again and again. हाँ जी, हाँ जी, माई नेक्स्ट फिल्म इज जय माता दी, विल बी डायरेक्टेड बाय सौरभ वर्मा, ही डायरेक्टेड मिकी वायरस, सो इट्स अ ग्रेट समथिंग वेरी डिफरेंट देन व्हाट आई हैव डन इन बॉलीवुड बिफोर एंड इन साउथ. So I'm looking forward, it's gonna be something something on Godma. So I'm gonna be a Godma in that film. So looking forward. What you really like in on location show? What you really enjoy? I enjoy the caterer's food. Okay. Being a foodie, I love eating food. And because I travel a lot and have to eat lot of the time in hotels. So sometimes I love this catering food that comes on shoot. Favorite place that you visit? Sorry? Favorite place of yours? Yeah, my favorite place in India? Yeah, in India. In India, I love Hyderabad. Bombay is my all-time favorite, of course. And abroad, UK, yeah. Because it's a great place for shopping and it's very cool and people are really very warm. Thank you so much and wish you all the best. Thank you. Stand here for the Hi, this is Chef Ajay Chopra and I'm here to launch the brand new menu at D51 in BKC. Well, this restaurant is very close to me because Satbeer Singh is very close to me, he's a dear friend, and together we have created a brand new menu. Basically, Ho Kya Raha Hai, this is a British pub and we've got England at your doorstep. Now, England today is not the England which was 40-50 years back. It has changed a lot. There is a lot of Asian influence which has gone to Europe. So we brought that on the menu. There are humongous amount of new choices. A lot of my signature dishes are here. So, you know, you can get good drinks anywhere, but khana acha hona chahiye. That's what brings people back. So the food, the presentation, the whole aesthetics and the whole ethos about our food is going to change the perception of how bar and pub food would be looked at. A few examples is that Mumbai is famous for its vada pav. What we've done is that we've created that into a spring roll. Well, if you go to England, you get a shepherd's pie, which is made out of lamb. I've got a wedge shepherd's pie, that also Jain. So, you know, you can look forward to a lot of things which are unique, uncanny, and very, very different. So that's what I bring to the table, and I welcome all of you at D51. Thank you so much, Abhishek. Yeah. So what do you want to say today, and what do you expect?
I think every time I go to a new place, and you know, Drinkery seems like a very amazing place. I'm so curious to taste all the lovely food and the amazing cocktails they make. And I wish the team a very, very successful, you know, business ahead of 2018. It's a great year, and I think it's going to be fabulous for Drinkery. I love South Indian, but internationally I prefer Italian. So, always Indian first. I love partying, but I think I love house parties more. So, food and some interesting drink probably would be mine. I'm quite into white wines. Thank you so much. चले भाई चले पूछिए कोई एक इनिशिएटिव ले लीजिए. हाय, टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग सम नाइस फ्यूजन ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द वेन्यू. यार मैंने बड़ी तारीफ सुनी है कि काफ़ी अर्बन स्टाइल का वेन्यू बनाया, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द वेन्यू दो इंटीरियर्स. या थैंक यू. पर्सनली मेरा फेवरेट तो इंडियन फूड है यार. हम लोग तो, मैं बहुत ही हार्ड कोर देसी हिंदुस्तानी आदमी हूँ, तो मुझे तो सिर्फ हिंदुस्तानी खाना अच्छा लगता है, लेकिन बाकी और खाने अच्छे लगते हैं. पैन एशियन है, यू नो स्पेनिश है, तो इस तरह के खाने मुझे टेस्ट करने बड़े अच्छे लगते हैं. मैं तकरीबन हर रोज़ घर से खाना बना के अपनी शूटिंग पर ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाने का भी बहुत शौक है. तो लोग क्या क्या बनाते हैं, पर मैं खाना बनाता हूँ. थैंक यू यार. गाना लाइक फॉर एग्जाम्पल, तू लग दी पंजाबन लग दी पटोला, लगने तू सारे तो वखनी, तेनू सूट सूट करदा, ओ तेनू सूट सूट करदा होए. सो आई होप दिस वेन्यू सूट्स दिस प्लेस एंड आई होप वी हैव फन. सो चीयर्स. थैंक यू. हमारे एक फिल्म का एक गाना है रंगदारी, वो होगा आज, आप देखेंगे उसे और YouTube पे भी जाके देखिएगा. रंगदारी रिलीज हुआ है आज. और कौन किया है, राहुल और ऋचा है गाने में. गाना बहुत कमाल का है, देखिए मजे का. नहीं मतलब जो फिल्म का एटीट्यूड है उसको रिफ्लेक्ट करता है. Okay. जो इंटरनल एटीट्यूड है दोनों कैरेक्टर्स का, क्योंकि थोड़ी पारो भी हमारी अलग है और थोड़ा देव भी अलग है, तो उनका जो एक लव हेट एक डायनेमिक है उसको रिफ्लेक्ट करता है गाना. एक गाना और है जो प्रमोशन सॉन्ग, इसमें आप शूट कर रहे हैं, तो बच्चन की तरह चल के आ रहे हैं नीचा के बाद, हम ऑन लोकेशन शूट कर गए. नहीं वो रैप तो मैंने किया है, रैप जो है वो तो, वो तो सौरभ मैं तो बच्चन तो एक ही आपने पास, तुम मेरे को कहां से बच्चन. हां नहीं नहीं वो सौरभ शुक्ला, दैट सौरभ है और सौरभ और मैंने किया है वो गाने का. जो जो फिल्म जो है वो रैप मैंने किया है, वो गाना जो है वो एक तरह से फिल्म है, तो गाने में हमने फिल्म को रिफ्लेक्ट किया है. तो एक रैप में क्या फिल्म है उसको, जैसे आप इंटरव्यू देते हो तो कुछ बोरिंग सा हो जाता है ना, कि वही ज्ञान दे रहे हैं जैसे, तो एक गाने के तौर पे कि भाई क्या हुआ था, फिल्म क्या है, देव कैसा है, कहानी कैसी है, क्या हुआ, पारो कैसी होगी, चंद्रमुखी कैसी होगी, ये फिल्म में आप उम्मीद कैसे करनी चाहिए, किस तरह का एंटरटेनमेंट होगा. अब देव और पारो को हमने खड़ा कर दिया इस तरह से, एक अलग तरीके के दोनों हैं. पारो जो है वो बड़ी कोठी में बंद नहीं होती, चंद्रमुखी जो है वो इश्क करती है देव से, लेकिन अपने लिए भी कुछ लेके जाती है. एक पॉलिटिकल थ्रिलर सा है, एक आपको इमोशन में ले जाएगा, एक अंधकार में ले जाएगा, फिर एक उजाले में फेंकेगा, उस तरह की एक फिल्म है. पॉलिटिकल थ्रिलर सी है वो, तो वेरी स्ट्रॉन्ग रोमांटिक बेस. तो नशा जो है, एडिक्शन जो है पावर का, वो किस तरह से देव को अपने में अंदर खींचता है. तो जैसे दास जो है, जो भी नशे में होता है, जो अधीन होता है, जो जो स्लेव हो जाता है एक तरह से, अपनी दास हो जाता है अपनी आदतों का, फिर वो किस तरह से देव बनता है. देव मतलब ह्यूमन बीइंग, मतलब नॉर्मल, मतलब
तो एक यात्रा है दास से देव की, पुरानी जो फिल्म थी वो देव से दास की यात्रा अगर है तो ये दास से देव की यात्रा है। राहुल आएगा पर स्टार कास्ट तो हमारी शूट कर रही है, एक लखनऊ में रिचा और एक अलीबाग में और हिमाचल में अदिति, सौरभ भी लखनऊ में, और को भी आएगा, और को भी आएगा। रंगदारी आप देखिए यूट्यूब पे, बड़ा अच्छा हमने पिक्चराइज किया है इसको, थोड़ा सा गॉथिक टाइप का लुक है और एग्रेशन है जिस जो कि फिल्म में है, जो एटीट्यूड फिल्म का है वही रिफ्लेक्ट करता है इस गाने में। और को ने बहुत कमाल गाना बनाया है, मुझे लगता है कि हमारा वैसे एक गाना जो सैमी है धड़कन ऑलरेडी टॉप 10 में चल रहा है, और जो आतिफ ने गाया, हाँ जो आतिफ ने गाया है, मुझे लगता है ये गाना भी कुछ कमाल करेगा। ओके, नाम भी काफी अलग सा है रंगधारी, इसके बारे में बताइए किसके ऊपर शूट करता है। मतलब हम बताना चाह रहे हैं कि फिल्म में आप जो पुरानी देवदास जैसा कुछ उम्मीद मत कीजिए, तो हम हर बार वो आपकी उम्मीद तोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए हमने ये गाना किया है कि अगर आप सोचेंगे कि वही देव है जो वही नशे में होगा फिर बड़ी सी कोठी के बाहर आके गिर के मर जाएगा अंत में, ऐसा नहीं है। वो एक दूसरा देव है जो अपने आदतों से लड़ रहा है, जो पारो के लिए खड़ा होगा, एक पारो है जो बुरा बनने की जिसमें पूरी ताकत है वो देव के खिलाफ भी हो जाती है, किस तरह से वो दोनों निजात पाते हैं अपने पावर का जो लत है जो। हाँ जैसे चंद्रमुखी है वो कुछ ऐसी है जो आप पावर के गलियारों में, वेमेन हुम यू सी इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, मैन हुम यू सी, जो फिक्सर्स होते हैं जो डील्स फिक्स करते हैं, लेकिन सारी डील्स दुनिया में ज़िंदगी में फिक्स हो जाती है। ट्रेलर भी हमारा कहता है कि धंधे को फिक्स कर सकते हो, रिश्तों को फिक्स कर सकते हो, बट इश्क को फिक्स करना थोड़ा मुश्किल होता है, वो थोड़ा फिसल के निकल जाता है। गॉड फिक्स लव नहीं, ऐसा नहीं, मुझे लगता है ये बहुत ही प्रोफेशनल एक्टर्स हैं और हम लोग कोई कल के बच्चे हैं, कल के अभी अभी ट्रेन से बॉम्बे आए नहीं, और हम प्रोफेशनल्स हैं और जब हम काम करते हैं सेट पे तो एकदम अपने कैरेक्टर में होते हैं। और ये लड़कियां अलग हैं, उस तरह के पुराने झगड़ों, उस तरह से जो आप हीरोइंस के बीच में झगड़े होते थे ऐसा कुछ होता नहीं, बड़ी आपस गले मिलके एक दूसरे के लिए बहुत उम्मीद रखती हैं, एक दूसरे की सक्सेस सपोर्ट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं एक दूसरे की सक्सेस। मैंने डिफरेंट यही किया कि मैं पहली बात तो मैं कर रहा हूँ तो डिफरेंट ही होगा, मैं डिफरेंट हूँ उन सब लोगों से, बड़े स्टारवॉर्स ने किया है, बड़े ग्रेट एक्टरों ने किया है और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे भी करने को मिला। लेकिन मैं बार बार आपको यही हम बात करने चाहते हैं और आपको कहना चाहते हैं कि ये फिल्म वही देवदास नहीं है। अगर आप वही एक्टिंग देखना चाहते हैं या आप वही उसी देव को देखना चाहते हैं जो आप देख चुके हैं पहले कई फिल्मों में, तो ये वो देव नहीं मिलेगा आपको। जर्नी अलग है, वो जर्नी एकदम डिफरेंट है उसकी। लेकिन हाँ, उसको भी लत है अल्कोहल की, उसको भी लत है इश्क की, मगर उसको इश्क की भी लत है, उसको पावर की भी लत है, उसको कई सारी लतें हैं। उन सारी लतों से निजात कैसे वो पाता है और कैसे अपने आप को उठा के अपनी डेस्टिनी को चुनता है, ये वो कहानी है। ये बहुत लोग पूछते हैं, होती होगी जो एक तरह की वर्क, देखिए दो तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, एक तो जो है जो वर्किंग इंडस्ट्री है जो 5-6 साल से जो रेगुलर प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो फिल्में बना रहे हैं, जो डायरेक्टर्स हैं जो फिल्में बना रहे हैं, अगर आप उसको इंडस्ट्री मानते हैं तो उसमें औरतों की जो हैसियत है, सिचुएशन है, वो बेहतर हुई है। करना बहुत कुछ बाकी है और हम सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए उसमें कि इंडस्ट्री ऐसी होनी चाहिए जहाँ औरत सेफ हो, सिक्योर हो, उसको वही पैसे मिले, उसको वही इज्जत मिले, उसकी सेफ्टी उतनी गारंटीड हो, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोई कोशिश ना करे, वो अपने ताकत, अपनी स्टारडम या अपनी काबिलियत या अपनी एक्टिंग के दम पे या अपने जो भी काबिलियत है, कैमरामैन हो चाहे डायरेक्टर हो, औरत हर तरह की उस फिल्म के एस्पेक्ट में आने को तैयार है, आ सकती हैं, उनमें काबिलियत है और उनको वेलकम करना चाहिए और एक सिक्योर इन्वायरमेंट जहाँ वो अपने आप को, अपना पोटेंशियल रियलाइज़ कर सकती हैं, ऐसा इन्वायरमेंट उनको मिलना चाहिए। तो पूरी तरह से ऐसा इन्वायरमेंट इंडस्ट्री में है
ये भी कहना गलत होगा, और बहुत कुछ करना ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, कहना ज़रूरी है, लेकिन सिचुएशन वर्किंग इंडस्ट्री में बेहतर है। आई डोंट नो व्हाट ही डिड, आई हैव नो आइडिया, आई डोंट फॉलो। No, I mean nobody should abuse anybody, nobody should slap anybody, nobody has a right to do anything. आप मतभेद रखिए, आप नाराज होइए, आप एक दूसरे से differences व्यक्त कीजिए, but ये जो violence और इस तरह की चीज़ें, किसी को भी छोटे से छोटे आदमी को humiliate करने का किसी को हक नहीं, मुझे नहीं लगता। किस बारे में? नहीं, पहली बात तो मुझे पता नहीं है कि कैसे क्या हुआ क्या है, और दूसरी बात ये है कि मैं बिल्कुल सर से सहमत हूँ कि किसी को भी अब्यूज़ तो करना ही नहीं चाहिए, क्यों करेंगे अब्यूज़? भाई आपके मतभेद हो सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बट वी कैन ऑलवेज काम के टेंशन में झगड़े होते तो वो होने भी चाहिए, अगर काम के काम कर रहे हैं आप तो मतभेद होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, आप कभी कभी जोर जोर से एक दूसरे से बात करते हैं, कभी राहुल से मैं टेंस हो सकता हूँ कभी, ये तो मुझे इंसल्ट करने का तो कोई हक नहीं, ना उसे मुझे ना मुझे उसे, ये बिल्कुल सही बात, माहौल जो है वो काम का होता है, उसमें कभी कभी डिफरेंसेस होते हैं, कोई बिल्कुल ही यार, लेकिन काम में कुछ टेंशन भी होते हैं, वी डोंट नो व्हाट इज, यू नो व्हाट इज द रियल ट्रूथ, आई डोंट नो व्हाट इज द ट्रूथ, सो वी कांट कमेंट ऑन समबडी एल्स, आप जनरली बोल सकते हैं कुछ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, अजय चोपड़ा, अजय चोपड़ा, we're expecting a lot of food and like we've come for the food tasting and the menu thing, so I'm very excited and I'm a foodie, so we are just expecting a lot of good food. The same thing, I'm expecting some great food. I'm sure they've called so many people, so many important people around, and I'm hoping it's going to be good. Okay, मुझे रोड का खाना बहुत पसंद है, मुझे रोड का अंडा पाव भाजी और ये सब चीज़ें, आई एम मोर ऑफ अ जंक फूड, और अगर घर पे खाऊं तो आई लव खिचड़ी अ लॉट, सो थैंक यू सो मच। आई एम एक्सपेक्टिंग सम गुड फूड, गुड म्यूजिक, गुड क्राउड एंड लॉट ऑफ मस्ती। Not party hard now, yaar. I'm like, it's been ages. मैं party hard में believe नहीं करता हूँ. I'm more into traveling and all. But हाँ, अभी sometimes yeah, it's good to be hard on parties. यार my character तो I believe कि आपको देखना चाहिए, because my character is very fun character. You know, it's वो ऐसा है कि अबे से पंगे भी ले रहा है, कभी उसको उसकी माँ को बेवकूफ़ बना रहा है वहाँ पे, फिर उसके घर में कुछ करने भी जाता है, तो इट्स अ फन कैरेक्टर, तो यू विल डेफिनेटली लव इट। और आपको पता ही होगा कि हॉरर कॉमेडी फिल्म है, तो ऑब्वियसली इट्स गोना बी कॉमेडी, और मेरा भी बहुत कॉमेडी रोल है उसमें। अभय, एक्चुअली आई डिडंट शूट विद पत्रलेखा, आई जस्ट मेट हर, बट अभय के साथ आई नेवर फेल्ट लाइक आई एम शूटिंग विद अ स्टार, ही वाज ऑलवेज लाइक अ कूल बडी, ही इज अ मेगा कूल गाय यार, सीरियसली वेरी सोफिस्टिकेटेड, इनफैक्ट आई एम अ पंजाबी गाय, तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी पंजाबी के साथ शूट कर रहा हूँ, तो ही इज़ लाइक अ मोर ऑफ अ सोफिस्टिकेटेड गाय एंड पॉलिश गाय। आई थिंक दे हैव रिटन ऑलमोस्ट 13 टाइटल्स, बट कोई भी पसंद नहीं आ रहा था, तो एक 14th उन्होंने बचा के रखा था, तो एंड में वो जब बोला प्रोड्यूसर को कि यार ये, तो अरे अरे यही रखना है, सो दैट्स व्हाई। मैं तो अपना ही बोलूँगा, डरता वरता नहीं हुआ तेरे से, समझा? ओके, सी यू, बाय, थैंक यू। शुड आई स्टार्ट? सॉरी, एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट इन ड्रिंक कैरी, द नेम इज वेरी टेम्प्टिंग, ड्रिंक कैरी, माय बेस्ट विशेस, इट्स वेरी यूनिक नेम एक्चुअली, एंड आवर बेस्ट विशेस इज विद ड्रिंक कैरी, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Sorry? Everything is favorite as far as the taste is good. Okay.
फुल धमाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा चौथा गाना इस साल का. बिग थैंक्स टू हिम, दिस गाय प्रोड्यूस दिस सॉन्ग एंड इट इज़ द लॉन्च ऑफ द सॉन्ग एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड हैप्पी एज वेल. या वी आर वेरी एक्साइटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू एवरी वन द ऑडियंस फॉर गिविंग सो मच लव मेरे गाने को, बागी टू का साथी. एंड अभी नया गाना हम दोनों का एक साथ आज रिलीज हो रहा है रंगदारी दासदेव पिक्चर में. प्लीज़ देखिए आप लोग और प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए. आपको जो भी मन में आए, बुकेज एंड ब्रिक बैट्स आर बोथ वेलकम. एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव डन टुगेदर एंड लॉट मोर इज कमिंग अप दिस ईयर. सुधीर मिश्रा के तो हम दोनों ही फ़ैन हैं, तो बड़ा मज़ा आया हमें इस गाने में काम करने पर. एंड यू विल हियर बोथ ऑफ आवर वॉइसेज इन द सॉन्ग अलॉन्ग विद रिचा चड्डा एंड राहुल भट्ट इन द वीडियो. एंड बागी टू के मेरे गाने के लिए भी प्यार देने के लिए आपका शुक्रिया. बागी टू में बच के रही मुंडिया तो बच के रही और वो साथी कोइंसिडेंटली बागी टू के दोनों आने वाले इस गाने में. मुंडिया तो बच के रही. उन्हीं मिनी मियाँ को वो झुका के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले. एवं करी ना की, एवं करी ना की, ओ एवं करी ना किसे दे नाल प्यार. मुंडे हाँ तो बच के रही, नी तू हुणे हुणे होई मुट्यार. मुंडे हाँ तो बच के रही. ओ साथी, व्हाट इज अमेजिंग, यू वर सिंग विद मी. यस सर सर. अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया. बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया. ओ साथी, थैंक यू सो मच. यस थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. बैडीज इन द हाउस. जैसे कि नाम है ड्रिंकरी 51, वेरी इंटरेस्टिंग नेम. एंड बीकेसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग पार्टी प्लेसेस. तो यहाँ पे ऐसी जगह पे एक नई जगह आना, मतलब जो पार्टी पीपल है, जो एक अपने दोस्तों के साथ टाइम अच्छा स्पेंड करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से ये एक अनोखी जगह है. और इस एक्सपीरियंस करने के लिए मैं आज यहाँ पे आया. देखिए, जितना इम्पॉर्टेंट एक एक्टर के लिए काम करना है, उतना ही ज़रूरी है कि वो अपने लिए वक्त निकाले. और मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत वक्त इंसान हफ्ते में अपने लिए निकाल ही सकता है. और जब आपको बता होता है कि ऐसी नई कोई जगह आ रही है, तो हम खुद एक नए तरीके का क्यूजीन ट्राई करना चाहते हैं, अलग अलग तरीके की खाने की चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं. तो मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द गुड प्लेसेस है. एंड आई हैव कम हियर टू एक्सप्लोर द प्लेस एंड लेट्स सी हाउ इज़ इट. Whatever I order, I make sure that it doesn't smell bad, and it tastes good, and definitely start with the soup on the safer side. Thank you so much. Thank you so much. Well, I'm really excited because the invite looks really nice, and we're looking forward to some great fun and looking at some great people around, and of course some good alcohol. So is there any projects in your life that you want to share something? Well, I just want to say that we're all here to have a great time. It's a great venue, and let's give our best wishes to them and so that they celebrate more and more anniversaries in the coming years. Thank you. Well, it depends what she wants, but my girl always goes for a sparkling wine, so that'll be it. Favorite cuisine? It's Italian. Thank you so much. Thanks a lot. Cheers. Okay, Ayashi, how are you? I'm good. Thank you. Okay, ready? Yeah. Okay, Ayashi, what are you expecting? मुझे जो मेरी टैलेंट मैनेजमेंट वाली हैं, उन्होंने बताया कुछ खाने से रिलेटेड है, तो बड़ा मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा अच्छा खाना मिल जाए मुझे, पकवान मिल जाए, बिकॉज बिग बॉस से निकलने के बाद और बिग बॉस में तो कुछ खाया भी नहीं हूँ. तो अभी जी आज मैं सारी कसर निकाल दूँगी अपनी. क्या
देखिए मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर सिर्फ नवाबी खाने बनाए जाते हैं, तो मुझे नवाबी फूड्स पसंद हैं और महाराष्ट्रियन भी बहुत पसंद है मुझे। मैं उसके लिए कुछ ऑर्डर नहीं करने वाली, मैं सबसे पहले मैं सिर्फ अपने लिए ऑर्डर करूँगी, उससे कहूँगी कि तुम्हारी मर्ज़ी है, तुमको जो खाना है वो तुम खा सकते हो। अगर उसने अपनी मर्ज़ी से आपके लिए ऑर्डर किया, मुझे पसंद आया तो खाऊँगी, नहीं आया तो कहूँगी आपको बिल देना है, आपको मुबारक हो। नहीं मैं मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। हाँ कभी ईद के वक्त शीर खुरमा खा लेती हूँ, वही मेरा फेवरेट है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। ओके, इतना कुछ खा के डाइट कैसे मेंटेन कर पाती है? मैं नहीं खाती, मैंने आपको बोला कि बिग बॉस के बाद शायद ही बहुत ऐसा रूटीन बन गया हमारा कि हम मुश्किल से दो चपाती भी खा ले तो बहुत है हमारे लिए, बिकॉज वहाँ पर ऐसा खाना और ऐसा रूटीन दिया गया था कि भाई इतना इतना ही खाना, इतना ही राशन रहेगा, ऐसा रहेगा, तो अब वही हो गया लाइफ में। फुल्ली चेंज हाँ, बिल्कुल जैसे पहले लाइफ थी कि कहीं भी चले जाते थे, कुछ भी कर लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा है कि भाई आवाम तो ऑल टाइम देखती है और बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है, वरना पहले कुछ भी कर लिया करते थे, लेकिन अब ये है कि अर्शी ऐसा नहीं करना, अर्शी वैसा नहीं करना। तो सवाल है आपसे, आप क्या मांगती हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट और कास्टिंग का कितना एग्जिट करता है? ये तो खाने का शो है, आई एम सो सॉरी, इसमें ही सवाल कहाँ से। आप कितना मानती हैं कि एग्जिट करता है बॉलीवुड में है अभी? नहीं मुझे नहीं लगता। देखिए मैं आपको सच बोलूं तो मुझे आज एक लड़की ने सवाल पूछा था कि क्या मैम बिग बॉस के अंदर भी ऐसा होता है क्या, एक पाकिस्तानी लड़की ने सवाल पूछा क्या ये एक पाक शो है, तो मैंने कहा जिसके होस्ट होंगे सलमान वो पाक शो ही होगा, और वाकई में मैंने अभी तक जितने लोगों को देखा इंडस्ट्री में जो अंदर के हैं, जो अंदर से काम करते हैं, जो बेस्ट हैं, उनके तरफ से कभी ऐसा कुछ डिमांड हमने नहीं देखा है बिल्कुल भी। बाहर के जो रहते हैं, देखो बाहर तो कोई कुछ भी कर सकता है, जो खुद ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनकर बैठ जाते हैं। ओके, मुलाकात हुई आपकी सलमान के साथ में? मैं अभी उनसे बोल ही रही थी कि मुझे एक्चुअली सलमान अबू धाबी चले गए थे, फिर इंशाल्लाह कल मैं बोलूँगी, मुझे मीटिंग करनी है उनसे। थैंक यू। मैंने आपने किया? थैंक यू। थैंक यू।